नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं शिपिंग स्टॉक्स के बारे में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया आपका, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मजगांव डॉक हो गया, जीई शिपिंग हो गया, इन चारों स्टॉक्स के बारे में दो तीन तरीके से बात करेंगे। एक टेक्निकली, दूसरे फाइनेंशियली, क्योंकि ये रेलवे और डिफेंस ये तीन सेक्टर मल्टीबैगर रहे हैं बीते समय में। लेकिन एक चीज जो क्लियर हो गई है वो ये कि रेलवे की अर्निंग्स में डेंट पड़ गया है, रेलवे की अर्निंग्स में रुकावट आ गई है और वो गिर भी रहे हैं। आपने देखा RVNL को, देखा आपने राइट्स को, देखा आपने अपने टीटा का रेल को, देखा इरकॉन के उतने खराब नंबर नहीं थे इसलिए वो नहीं टूटा। ऊपर से इरकॉन के वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, तो इरकॉन इंटरनेशनल स्टिल इज लुकिंग गुड। ठीक है, उसको हम बाकी रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि एक तो वो 28-30 के पीई पे है, वहीं RVNL टीटा का ये 70-80 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो महंगे भी है और अर्निंग्स अगर मैं इरकॉन की बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेहतरीन है। वहीं बाकी के स्टॉक्स की आप देखो 10-12 क्वार्टर की लोएस्ट अर्निंग आ रही है, तो वो नेगेटिव चीज है। शिपिंग में बात करें तो रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड ने रिजल्ट्स पेश करे। इसके बिना नंबर्स पहले एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं, तो पहले रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं उसके बाद मैं आऊंगा चार्ट्स पे। लेकिन एक चीज स्टार्टिंग में ही बताना चाहूंगा, एक प्यारा कमेंट भी था हमारी वीडियो पे किसी, अब मैं भूल गया कि किस वीडियो पे था, उन्होंने कहा था कि भाई चाहे कुछ भी हो बाजार गिरेगा तो सब गिरेगा। ये फैक्ट है, जब बाजार गिरता है वो सबको गिरा देता है, उसके पीछे रीजन है। देखो जब बाजार चलता है सब चले जरूरी नहीं है, लेकिन जब बाजार गिरेगा तो सब गिरेंगे ये जरूरी है। इसके पीछे रीजन ये होता है दोस्तों कि जब सेलिंग हो रही होती है ना तो बायर जो होता है वो डर जाता है, वो खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, और जिनके पास शेयर्स है वो थोड़ा बहुत बेचने के बारे में सोचते हैं, पूरा बेचे ना बेचे थोड़ा बहुत, तो बाइंग खत्म कर देना और सेलिंग का प्रेशर, इसलिए वो नीचे आ जाता है। और तेजी वाले बाजार में जो बढ़ रहा है लोग उसी को खरीद लेते हैं, जो नहीं चल रहा उसे दूर छोड़ देते हैं, तो वो नहीं चलता तो नहीं चलता। तो ये बाइंग सेलिंग का गेम होता है एक आध दिन का। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा कोचिन शिपयार्ड की, क्योंकि इसके रिजल्ट्स रिसेंटली आए थे जो मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे, बट अभी याद नहीं है मुझे। अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो साल दर साल बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट 4 क्वार्टर का लोएस्ट रेवेन्यू है। एंड अगर आप मैं बात करूं जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 4 क्वार्टर का लोएस्ट है। मार्जिन्स की बात करूं तो मार्जिन्स ठीक हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छे हैं, मार्जिन्स में कोई दिक्कत नहीं है। और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो भी 4 क्वार्टर के लोएस्ट पे ही है। हालांकि ये सारी चीजें साल दर साल बढ़कर आई हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स को छोड़कर सब में डिप है, लेकिन आप अगर ओवरऑल मेरे से पूछो तो नंबर्स थोड़े वीक साइड पे हैं। आप 4 क्वार्टर के लोएस्ट प्रॉफिट अर्निंग्स अगर पेश कर रहे हो तो फिर वो डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, आगे दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक बाकी किसी शिपिंग स्टॉक के नंबर अभी आए नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। मजगांव डॉक की बात करते हैं, अभी मजगांव डॉक के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो जब नंबर्स आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए पढ़ना समझना इसको। 14 अगस्त को मजगांव डॉक के बाकी नंबर आने वाले हैं। जीई शिपिंग के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि कैसा दिख रहा है जीई शिपिंग। हाँ, जीई शिपिंग की बात करूँ दोस्तों तो इसके रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी के नतीजे ये बहुत ही दमदार नंबर पेश करें, मैं कह रहा हूँ जीई शिपिंग पर प्रॉफिट घटकर आया है लेकिन रेवेन्यू बढ़ाया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेंट पड़ गया हल्का सा, ना के बराबर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छी जंप है, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी डिप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट में हल्की गिरावट इसलिए क्योंकि एक्सपेंसिस में थोड़ी बढ़त आ गई है, अदरवाइज जीई शिपिंग स्टॉक टू वॉच है मेरी नज़र में। मैं उसके पीछे रीजन भी देना चाहूंगा, वैल्यूएशन टर्म में जीई शिपिंग बहुत सस्ता है बाकी सारे शिपिंग स्टॉक्स में और इसकी अर्निंग्स भी ठीक दिख रही हैं, तो मेरे को लगता है स्टॉक टू वॉच जो यहां से होगा ना शिपिंग स्टॉक में वो जीई शिपिंग हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो ठीक है, लेकिन FIIs ने काफी स्टेक घटा दिया है, 3% से स्टेक घटाया है मार्च टू जून क्वार्टर में। NDIIs का स्टेक बढ़ाया है, ये अच्छी बात है, पब्लिक का भी हल्का बढ़ गया है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका, हमने मजगांव देख लिया, जीई देख लिया, कोचिन देख लिया, गार्डन रीच रह गया है। गार्डन रीच की बात करते हैं एक बार, गार्डन रीच कैसा दिख रहा है, इसके रिजल्ट्स पहले तो चेक करते हैं आए हैं या नहीं आए हैं, आ चुके हैं।
नंबर्स इसके भी ठीक दिख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना के बराबर का डिप है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ा डेंट आया है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आधा रह गया ऑलमोस्ट। मार्जिन्स में भी प्रॉब्लम रह गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड नेट प्रॉफिट भी हल्का सा डिप मारकर आया है, तो ज्यादा खराब तो नहीं है बट खराब ही लग रहे हैं थोड़े से। और स्टॉक ये कोई सस्ता नहीं है जी, गार्डन रीच शिप बिल्डर अराउंड 64 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो जीई शिपिंग सबसे बेटर लग रहा है इस समय अर्निंग्स प्लस वैल्यूएशन टर्म्स में। अब आ जाता हूं मैं थोड़ा टेक्निकल, टेक्निकल की जब हम बात करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट गिरेगा तो सब गिरेगा। जीई शिपिंग मेरे को लगता है कि आप स्टॉक टू वॉच है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। जीई शिपिंग एक ऐसा स्टॉक लग रहा है मेरे को जिसके बारे में मैं डिटेल में स्टडी करनी चाहिए सो दैट कोई एक अच्छा स्टॉक पकड़ में आ सके। मैं एग्जांपल के रूप में कंपनी की बात करूं तो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 6,000 करोड़ की एक साल की सेल है, ठीक है। मैं बाकी के शिपिंग स्टॉक्स को भी कंसीडर करूं कि उनकी सेल के हिसाब से उनका मार्केट कैप कितना है, ये सारे एक बार मैं पूरी तरीके से कैलकुलेशन करूंगा तो जीई शिपिंग शायद हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और शायद अगर सारी चीजें अच्छी आई तो ये स्टॉक है जो यहां से डबल होने की दम रख सकता है मुझे लगता है। जीई शिपिंग में टेक्निकल बेसिस पे 1150 से 1200 का बड़ा सपोर्ट है, मुझे लगता है वो रेंज आपकी बाइंग की बनेगी अगर आपको मिलता है मौका तो, और नहीं मिलता है तो भी मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बेचने की जल्दबाजी ना करें, अच्छे चार्ट पैटर्न में और तेजी में, और मेरे को लगता है तेजी और यहां से पकड़ सकता है ये स्टॉक। नेक्स्ट है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में आपने एक अच्छी तेजी देखी, अभी करेक्शन भी हो रही है, वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा महंगा ही है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसकी, हम एक बार वो देखते हैं कि इसकी टोटल सेल कितनी है 24,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इस कंपनी की। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करूं मैं तो इसकी टोटल सेल जो आ रही है पूरी साल की वो है, देखो इसकी टोटल सेल केवल 3800 की है और मार्केट कैप है आपका 23,000 करोड़ का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इसकी 4,000 करोड़ की भी मैं सेल ले लूं राउंड फिगर में और 23,000 का दूध, तो आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हो लगभग 7 times की इसकी जो है सेल आ रही है, तो थोड़ा सा महंगा दिख रहा है ये बाकी उसके मुकाबले। नेक्स्ट है आपका मजगांव डॉक। मजगांव डॉक की बात करें तो ये वैल्यूएशन टर्म्स में तो ठीक दिखता है और अर्निंग्स अभी आई नहीं है तो कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। वैल्यूएशन में अभी 51 के पीई पे है बट कंपनी है भी स्ट्रॉन्ग तो उसके हिसाब से इसका 51 बनता है पीई। स्टॉक अगर किसी के पास है डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं टेक्निकल बेसिस पे, ये भी अच्छा ही लगता है। 14th August को रिजल्ट आने हैं, बाकी मैं इसमें लोअर अगर कोई भाव मिलता है तो ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा एज ऑफ नाउ, अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की राय दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। सारे स्टॉक में अच्छे हैं बट वैल्यूएशन टर्म्स में कुछ बहुत महंगे, लाइक गार्डन रीच महंगा दिखता है मुझे, कोचिन शिपयार्ड भी महंगा दिखता है और रिजल्ट्स भी खराब आए हैं। मजगांव डॉक रीजनेबल वैल्यूएशन लगते हैं उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं उसकी पूरी सेल बताऊं आपको तो वो 9,500 करोड़ की सेल मार रहा है जिसके सामने मार्केट कैप 90,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ का हो रहा है, तो ये तो 10 times की सेल के सामने मार्केट कैप पे खड़ा है। तो ये अगर मार्केट कैप टू सेल देखोगे तो वो थोड़ा महंगा लगने लगेगा, अदरवाइज ठीक है। और कंपनी की अर्निंग्स भी नहीं है मेरे पास जो ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस कर पाऊँ, तो मेरे को एक ही स्टॉक समझ में आ रहा है जिसको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं वो है जीई शिपिंग, और स्टडी करने का अगर मजा आया तो फिर वो मेरे को लगता है वो स्टॉक टू वॉच है और हो सकता है एक साल में वहां पैसा बनेगा बड़ा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।